और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देखिए, यहाँ पे लाल बटन है और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमेशा नए वीडियो की सूचना मिल जाया करें। और आज जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है KRBL और मिड कैप कंपनी है, बहुत नीचे के लेवल मिल रही है अभी। उसके रिटर्न बहुत शानदार रहे हैं पिछले 10 वर्षों में और इनका जो व्यापार है मिडिल ईस्ट में है, एक्सपोर्ट करती हैं राइस, बासमती राइस और भी कई चीज़ें जैसे कि कॉटन, बीज, ऑयल्स, कई प्रकार के एग्री से रिलेटेड इनके कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट करें। बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बहुत पुरानी कंपनी है, तो ज़बरदस्त कंपनी, इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में आगे फिर एक बार मल्टीबैगर साबित हो सकता है। और जिस हिसाब से पिछले 10 वर्षों में इसने रिटर्न दिए हैं, आने वाले समय में भी अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दे सकता है। तो कुछ बेसिक चीज़ें जैसे मैंने बता ही दिया कि इनका जो टॉप ब्रांड है इंडिया गेट बासमती राइस, आप सभी परिचित होंगे, आप सभी खाते होंगे और इनकी वेबसाइट मैंने पढ़ा जाना, पिछले बार भी कई दफ़े मैं इनके वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो मोस्टली इनका इतना ज़बरदस्त व्यापार, आप दुनिया में कहीं भी जाइए इन्होंने लिखा हुआ है कि जो भी टेबल पे आप राइस का कोई भी आइटम मंगाएंगे तो हमारा बासमती ऑफकोर्स वहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेगा, इस प्रकार का इनका कहना है। तो चलते हैं इनके कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं और हम बात करेंगे क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जनरली बहुत सारे निवेशक हैं जो छोटी प्राइस के एक मल्टीबैगर की तलाश रहती है, जैसे कि बहुत सारी कंपनियाँ शुरू में जो अच्छी थी, जैसे कि सिम्फनी थी, आपके बजाज फाइनेंस थी, टाइटन थी, तो बहुत छोटी प्राइस के होते हुए कंपनी अच्छी थी और आज 10 वर्षों में, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में इतने ज़बरदस्त रिटर्न दे चुकी हैं कि हम में से जितने भी निवेशक हैं, रिटेल निवेशक, वो चाहते हैं कि हमें कोई ऐसी कंपनी मिले। लेकिन चलिए, वो उस खोज में तो मैं भी लगा हूँ अनवरत, अगर कोई ऐसी कंपनी मिलती है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। लेकिन जो वर्तमान समय में जिन स्टॉक्स पे अगर हमें अट्रैक्टिव लेवल पे फंडामेंटली अच्छी या थोड़ी सी प्राइस भी ऊपर है तो हमें लेने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। कल मैंने अशोक लीलैंड के बारे में बताया था, अब हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता रहता कि आगे कितना रिटर्न देंगे, लेकिन हमें ये पता है कि आने वाले समय में इनके क्या प्रोडक्ट्स कितने बिकने वाले हैं। इस तरीके से सकुमा एक्सपोर्ट, वो भी एक अच्छी कंपनी, लेकिन बहुत छोटी प्राइस हो चुकी है उसकी और काफ़ी टूट चुका है, तो आने वाले उसके भी फंडामेंटल्स देखने होंगे। इस प्रकार अगर मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो देखते हैं, जो व्यूवर्स हैं, उनको भी लगता है कि हज़ारों कंपनियां लिस्टेड हैं, उनमें से ऐसे अच्छी कंपनियों को ढूंढना और छोटी प्राइसी कंपनी को ढूंढना अगर मिल रही है, मल्टीबैगर का उसमें पोटेंशियल है, तो आप मुझे भी सूचित करें कमेंट्स के माध्यम से, तो उस पर मैं रिव्यू भी दे सकता हूं और उनके फंडामेंटल कई प्रकार के जो होते हैं चेक कर सकता हूं फुल्ली। तो KRBL लिमिटेड, आज पहले हम यहां पे जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है 58.81% की ज़बरदस्त है, कोई भी शेयर इनका गिरवी नहीं है, म्यूचुअल फंड्स भी हैं इसमें, 4 स्कीम्स ने पैसे लगा रखे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं 85.62% की इनकी जो है होल्डिंग, और इन्होंने देखिए होल्डिंग इंक्रीज़ की हुई है, म्यूचुअल फंड्स ने भी इंक्रीज़ की हुई है। और हाइस्ट पब्लिक शेयर होल्डर रिलायंस कमोडिटीज़ और इंडिविजुअल हैं हम आप खुदरा ग्राहक 15% के आसपास 14.91%। फाइनेंशियल पहले हम देखेंगे, देखिए दिसंबर जो 18 और मार्च 19 के Q4 के रिजल्ट हम देख रहे हैं, अभी जून के भी आने वाले होंगे, तो यहाँ पे जो दिसंबर 18 में थी 935 करोड़ की नेट सेल्स, वहीं मार्च 19 में हो गई 1196, यानी 27.85% की अपसाइड है जो कि बहुत बढ़िया है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 13.45% की अपसाइड है, इंटरेस्ट भी कम हुआ है देखिए, और नेट प्रॉफिट 29.20% की अपसाइड है, तो ज़बरदस्त है। मार्जिन में 2% 2.5% के आसपास के थोड़े से यहाँ डाउन साइड है, इस वजह से थोड़ा सा इफ़ेक्ट पड़ा है इस कंपनी पे। मार्जिन में जब प्रभाव पड़ता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्टॉक प्राइस में भी नीचे आता है। अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं, मार्च 18 से मार्च 19 में कंपेयर करते हैं, तो नेट सेल्स में देखिए जहाँ 876 करोड़ की थी मार्च 18 में, वहीं हो गई 1196 करोड़ की मार्च 19 में, जो कि 36.57% की अपसाइड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पे 13% के आसपास अपसाइड है और इंटरेस्ट भी कम हुआ है, और नेट प्रॉफिट ज़बरदस्त है 45% के आसपास की अपसाइड है, लेकिन अगेन मार्जिन में यहाँ 4% की डाउन साइड है। रिटर्न वाइज अगर हम चलते हैं
कि 10 सालों में किस प्रकार के इनके रिटर्न रहे, तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि करीब करीब 2960, यानी कि 3000 आप इनको कंसिडर कीजिए, 3000 के आसपास के रिटर्न आपको मिले। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए निवेश किया है तो आपको 31 लाख 30 लाख के आसपास के अमाउंट बन जाते हैं। 5 सालों में 233% के एक शानदार रिटर्न है, 4 सालों में 42% के थोड़े से कम हो गए हैं क्योंकि इतनी गिरावट आ चुकी है, और 3 सालों में 16% का नेगेटिव में रिटर्न है, 2 सालों में 38% के नेगेटिव हैं, 1 ईयर में 27% के नेगेटिव हैं, ईयर टिल डेट जनवरी से लेकर अभी 15% के आसपास का नेगेटिव, 6 मंथ में 26% के नेगेटिव हैं, 3 मंथ्स में 25% के नेगेटिव में रिटर्न है, 1 मंथ में अगेन 27% के नेगेटिव है, और 1 वीक में भी देखिए 24% तक गिर चुका है, और 1 डे यानी आज इसमें 5% की रिटर्न अप ग्रीन में है, मतलब पॉजिटिव रिटर्न सॉरी। प्राइस देखते हैं, 238 रुपये 11 जुलाई 2019 है, और 1:30 बज चुके हैं, और BSE पे 238 रुपये के भाव पे ट्रेड हो रहा है। साल का हाई था 403, लो बनाया था 216, और लो के आसपास ही है, तो बेहतरीन कंपनी है एक्सपोर्ट की। और अगर हम मार्केट कैपिटल देखते हैं, 5,618 करोड़, एक मिड कैप कंपनी है। अर्निंग पर शेयर है 21 रुपये 37 पैसे, और P ratio 11.17 का है। प्राइस टू बुक है 2.06 का, बुक वैल्यू 111, और इंडस्ट्री की जो पी है 10.42 की है, और डिलीवरी देखिए अभी काफ़ी कमज़ोर है, 15% के ही आसपास ही है, और फेस वैल्यू 1 की रह गई है। तो ट्रेडिंग जो है इस स्टॉक में निसंदेह काफ़ी कम हो रही है। और अगर हम कर्ज़ा देखते हैं तो बैलेंस शीट पे हम थोड़ा सा ये डेट देख रहे हैं, 1414 करोड़ का, तो 1414 करोड़, चलिए ठीक है, एक कंपनी इनका काम ही है एक्सपोर्ट का, तो थोड़ा सा इतना तो है। और यहाँ पे डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, इन्होंने 6 अगस्त 2018 को 2.30 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड दिया था, और अपनी इंडस्ट्री में 1 कंपनी है। टॉप सेगमेंट्स में देखिए 94% एग्री बिजनेस से, वही जो कमोडिटी का और राइस वगैरह जो भी एक्सपोर्ट करती हैं, और एनर्जी सेक्टर में भी ये आ चुकी हैं, तो 5.10% की इनकी यहाँ से आय है। तो राइस एक्सपोर्टर कंपनी है, जैसे कि प्रोडक्ट्स में इनके अलग अलग हैं, इंडिया गेट तो हो ही गया, दून, नूरजहाँ, इंडियन फार्म, बेमिसाल, आरती, यूनिटी, लोटस, ताजमहल, तिल्ला, शुभ मंगल, नेकलेस, इस प्रकार के इस नाम से बाहर अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग ब्रांड के नाम से ये बेचते हैं अपना बासमती राइस। तो दोस्तों मुझे तो इस कंपनी में अभी अच्छा लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे है, और जो लोग इसमें इच्छुक हैं, लंबे समय के निवेशक, वो चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके लेते रहें। अगर और नीचे के लेवल पर जाता है, यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए ऐसी मार्केट में, जब बेयरिश हो मार्केट और कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि मार्केट का रुख कहाँ जाएगा अभी, तो ऐसे मौके पे अगर कोई अच्छी कंपनी का हम स्टॉक चूज़ करते हैं तो उसमें हम यही स्ट्रेटजी अपनाएंगे कि हमने अगर अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग रखा, बैंकिंग का हो गया, ऑटो का हो गया, एक्सपोर्ट का हो गया, या फिर एनर्जी के सेक्टर हो गया, तो अलग अलग सेक्टर में हम अलग अलग कंपनियों को चूज़ करते हैं, तो मुझे लगता है KRBL वन ऑफ द बेस्ट कंपनी एक्सपोर्ट सेक्टर में, ट्रेडिंग सेक्टर में। तो इसको आप थोड़ा थोड़ा लेते रहें, हर गिरावट पे आप अपने बजट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। मैं एग्जैक्ट बता नहीं सकता कि आपको कितना लेना चाहिए, बट एक अगर 100 रुपये मान लीजिए आपने KRBL इस सेक्टर के लिए आपने रखे हैं, तो 25 रुपये के अभी ले लीजिए, भविष्य में आगे के जो रिजल्ट्स आएंगे उसको देखने के बाद लगता है कि और डाउन साइड गया, अगर कुछ अच्छे आ गए मान लीजिए, भागना शुरू किया। तो इस तरीके से स्टडी होनी चाहिए, हर गिरावट में लेते रहें, और लंबे समय के लिए मुझे लगता है कि अच्छा रिटर्न बना के देगी, जिस प्रकार से इसने 10 सालों में पिछले दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।